मकई की रोटी और सरसों का साग खाएंगे, लेकिन सोया टिक्के खाने के बाद लग रहा है कि पेट फूल है तो छोटा आइटम खाते हैं। अरे इनके पास खाना था, इनके पास जरूर खाना है हम लोगों को, इसीलिए जरूर खाना है। हाँ। और ये छोटे आइटम है, हम लोग आलू टिक्की खा रहे हैं। ऑर्डर कर दीजिए फिर। हाँ एक हल्का फुल्का बनाना है। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू भैया, बना रहे छोले टिक्का। ठीक, एक में एक ही होता है क्या? तो एक और कर दो ना आप, एक में दही डालना, एक में नहीं, दो छोले टिक्के लगाना है। हाँ। और तो ये दो हो गया, एक में डालना है, मतलब एक में दही एक में नहीं। यहाँ पर वादा था कि खाना है, तो वादा को तोड़ना नहीं है, इसलिए खा के जा रहे हैं। मक्के का रोटी कभी हेवी हो जाएगा जी, वो तो हेवी होगा क्योंकि आलू चॉप खाने के लिए, सोया चॉप खाया तो भारी हो, भारी हो ये हल्का फुल्का है। सुबह कितने बजे से खुल जाती है? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से? और शाम? शाम को रात के 12 बजे तक। आलू टिक्की भैया क्या प्राइस है? कुछ ये 55। हाँ जी, एक में दही डालना। हाँ दही डाला आपने? दही डाला? नहीं दही डलवा रहा हूँ सर। सर जीरा नमक डलवाऊँ थोड़ा? हाँ ये जीरा नमक डाल देना भैया। नहीं नहीं अभी जाने भी नहीं, नहीं एक मिनट, जीरा नमक डाल दो पड़ सकते। जीरा ये भी ना बात। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। तो दोस्तों वो जो 56 का ये थर्ड आइटम हम लोगों का कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे चाट ना खाए नहीं हो सकता। तो हम लोग मकाई का रोटी सोचे थे, उसका हम लोग कैंसिल किया और चाट ले लिया। ये आलू की चाट जो हम 2 प्लेट लिए हैं, एक दही के साथ और एक बिना दही के साथ। अब मैं टेस्ट करके देखूँगी। और ये 56 है, जैसे कि बाकी 2 आइटम खाए थे। 56 दुकान तो पलासिया इंदौर में है, और इधर हम लोग खाने का स्वाद लेने, टेस्ट करने के लिए आए हैं। एक एक आइटम टेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे है। और साड़ी के खाना बहुत लाजवाब है, मीटर के लिए और ये है आलू छोले टिक्की चाट। इसमें क्या है? तो दही है। हाँ ये दिलीप के लिए है, दिलीप अभी कैमरा में है, मेरा शूट कर रहा है। तो ये दही के साथ आलू टिक्की चाट, दुकान है 56 इंदौर में पलासिया। और ये एक प्लेट आलू टिक्की चाट का प्राइस है 55 रुपीज़। ये 55 का, ये 55 का। तीखापन का हटाने के लिए थोड़ा सा खट्टा डाल दी। हाँ बीच हटा दो।